हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम। और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 8 जो है उसके एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले हमने सारी चीजें, सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए। ये लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है इसमें, थोड़े से ही क्वेश्चन आंसर्स है। तो हम स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ये चैप्टर का नाम है, जिसमें हमको छत्तीसगढ़ जो हमारा जो राज्य है उसके बारे में जानना है। छत्तीसगढ़ के बारे में आप कितना क्या क्या जानते हैं कमेंट्स में आप लिखिए, बताइए, ताकि कमेंट्स पढ़ते पढ़ते ही आप जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। ये बहुत ही ईजी वे होगा जिससे हम अपना जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। वैसे छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अच्छा राज्य है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, हम यहाँ रह रहे हैं इसलिए भी, क्योंकि यहाँ की जो सिंप्लिसिटी है, जितने भी मतलब मैंने देखा है जो बाहर से आते हैं लोग, उन्होंने रिव्यू दिया है, या मेरे भी किसी फ्रेंड्स जो बाहर से आए हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो माहौल उनको देखने के लिए मिला है वो ऐसा माहौल कहीं नहीं देखने के लिए उनको मिल पाता है। और इवन आप भी अगर बाहर के स्टेट्स में जाएंगे तो हमारे यहाँ के जो जो कल्चर है, जो हॉस्पिटैलिटी है, उतनी हॉस्पिटैलिटी आपको बाहर के स्टेट्स में नहीं मिलने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर। तो सबसे पहला है गिव वन वर्ड। वन वर्ड था तो डायनेस्टी विच रूल्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पैन। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया, वो है कचुरी डायनेस्टी। उसके बाद जमींदार ऑफ सोना खान, सोना खान के जमींदार कौन थे, वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह को हम सभी लोग जानते हैं। वेयर इज द एंशियंट थिएटर ऑफ छत्तीसगढ़ लोकेटेड। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे पुराना थिएटर वो कहाँ पे है, तो ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ के। उसके बाद है अंडर हूज लीडरशिप रायपुर यूनिटरी कैंप रेवोल्यूशन टेक प्लेस। तो ये जो रायपुर में जो कैंप रेवोल्यूशन हुआ था वो किसकी लीडरशिप के अंडर में हुआ था, तो ये हुआ था हनुमान सिंह राजपूत के अंडर में। उसके बाद विच पुलिस ऑफिसर सैक्रिफाइस्ड हिज यूनिफॉर्म एंड डिवोटेड हिज वर्क इन नेशनल मूवमेंट। तो ऐसा कौन सा पुलिस ऑफिसर है जिसने अपना यूनिफॉर्म जो है वो हटा दिया था अपने आप से, मतलब अलग करके, और अपना जो जो वर्क है वो नेशनल मूवमेंट को डेडिकेट कर दिया था। तो उस पुलिस ऑफिसर का नाम है पंडित लखनलाल मिश्रा। ठीक है, इन्होंने जो है अपना यूनिफॉर्म और अपना जो भी मतलब डेडिकेशन है वो अपना नेशनल मूवमेंट की तरफ लगा दिया था। उसके बाद हमको मैच ऑफ फॉलोइंग देखना है। तो मोस्टली रूलर्स में है भीमाजी, रेवोल्यूशनरी लीडर है हनुमान सिंह, लिटरेरी स्कॉलर है पंडित गोपाल मिश्र, और सोशल रिफॉर्मर है गुरु घासीदास। उसके बाद हमको क्वेश्चन आंसर देखने हैं। बहुत ही इजी है क्वेश्चन आंसर, चैप्टर बहुत इजी है। व्हाई इज द रीजन ऑन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे तर्क है तो हम सारे तर्कों को देखेंगे। तो दिस रीजन इज नॉन एज छत्तीसगढ़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू मध्य प्रदेश लोकेटेड एट साउथ ईस्टर्न पार्ट, दिस पार्ट ऑफ लैंड इज नॉन एज छत्तीसगढ़। तो जैसे छत्तीसगढ़ कहाँ पे, सेंटर में है इंडिया के। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। पहले तो ये मध्य प्रदेश में ही आता था, मध्य प्रदेश का पार्ट था। 2000 जो ईयर है उसमें इसको डिवाइड करके अलग राज्य बनाया गया जिसे छत्तीसगढ़ कहा जा रहा है। तो ये साउथ ईस्ट पार्ट में है मध्य प्रदेश के। तो जो कल्चुरी पीरियड, जैसे कि हमने देखा जो सबसे ज्यादा टाइम तक रूल किया कल्चुरी पीरियड्स में, यहाँ पे जो फोर्ट्स हुआ करते थे, जो रूलिंग किंग्स है उनके जो फोर्ट्स हुआ करते थे उनके कारण जो है इसे छत्तीसगढ़ कहा गया है। और रतनगुज स्टेट्स में यहाँ पे 18 किले थे। ठीक है, 18 किले थे और रायपुर स्टेट में 18 फोर्ट्स थे। ठीक है, तो उसके कारण जो है इसे छत्तीसगढ़ कहा गया है। और रिवर महानदी और शिवनाथ जो है इसके बॉर्डर में है इसके कारण भी। और भी बहुत सारे तर्क है इसमें। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स है, अब हमने उसको ही डिस्कस किया यहाँ पे। अब उसके बाद हाउ डिड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कैसे डेवलप हुआ उसको आपको देखना है। तो धीरे धीरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। इसमें बहुत सारे रीजंस है। तो पहला तो है वीर नारायण सिंह जो जमींदार थे सोना खान के, जिन्होंने जो आउटरेज मतलब जो अत्याचार और जो इनजस्टिस इंग्लिश पीपल जो करते थे उसके खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने अपनी लीडरशिप में 1857 में जो स्ट्रगल है छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट था। उसके बाद जो हनुमान सिंह थे उनके लीडरशिप में 1858 में रायपुर कैंप, ठीक है, जो फौजी चौनी थी वहां पे रेवोल्यूशन रिवॉल्ट टेक प्लेस। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो युद्ध थे उन्होंने एक आर्म्ड मूवमेंट स्टार्ट किया था इंडिया मूवमेंट के पहले।
इसे क्या कहा जाता है, रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, ये सारी चीजें हमें डिटेल में पूरा जो हमने जब भी जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है जो हिस्ट्री के चैप्टर्स है उसमें। उसके बाद जो लिटरेरी स्कॉलर्स है जैसे पंडित गोपाल मिश्रा है, पंडित माखन मिश्रा है, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कैसे जो भी उनका लिटरेचर कल्चर जो है छत्तीसगढ़ को उसको बताने में। उसके बाद पंडित शुद्धलाल शर्मा, इन्होंने भी रिफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ के जो सोसाइटी उसके चेंजेस लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे ये चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन आंसर्स है, बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन लास्ट चैप्टर है बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। देखिए जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी टीचर है जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, चाहे वो चैप्टर ईजी हो टफ हो, उससे उनको क्वेश्चन तो देने ही देने हैं। जैसे कि ये चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, आपको ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं याद होते हैं, तो आप उनको उन चैप्टर से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए। ठीक है, जैसे कि ये चैप्टर हो गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन बहुत श्योरिटी बनती है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए, तो आप इस तरीके के चैप्टर्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि जब एग्जाम में आए तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बने कि इसके क्वेश्चन आंसर आ जाए। और ये वन वर्ड मैथ ऑफ ऑनलाइन तो बहुत ईजी होते हैं, जिसको आप बहुत ही ईजिली याद करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या नॉलेज है। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, अपने ये जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।